अस्सलाम वालेकुम, आई होप अच्छे होंगे। हम एकदम बढ़िया, खैर खैरियत से। और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है, सुबह के 8 बजने वाला है और आज बादल भी लग रहे हुए हैं, मस्त मौसम हो रहा है, बादल लगा हुआ है आज। और अम्मी बना रही हैं अभी नाश्ता और पापा तो गए हैं दूध पहुंचाने के लिए। और आज नाश्ते में मलाई, चाय, रोटी, इस नाश्ता पानी हो गया। और सब लोग अभी बैठे हुए, अम्मी इधर सीढ़ी में और पापा उधर मोड़े में लकड़ी वाले, और अभी कुछ काम हुआ नहीं है, नाश्ता करके अभी आराम कर रहे। नमक के लिए देखो, आज हम बनाएंगे खसरे की सब्जी। पापा तोड़ रहे हैं खसरा, खसरा और तोरई मिक्स करके। अरे अभी चल इसी को डाल, कल तोड़ेंगे। ये एक ऊपर है, ये नहीं टूट रहा, बहुत ऊपर है ये। पापा कह रहे कल तोड़ेंगे, एक दो दिन में तोड़ेंगे, और भी है फिर पूरी सब्जी हो जाएगी। सो गाइस, दोपहर के 12 बज रहे हैं, चाय पी के सब्जी भी बन गई है। और अम्मी यहाँ पे साफ कर रहे हैं लहसुन, अम्मी लहसुन साफ कर रहे हैं। कोई कोई बेकार हो रहा था अभी, इसलिए ऐसे रख के खराब नहीं होता, इसलिए ऐसे करते हैं। सो गाइस, लंच का टाइम हो गया और आज लंच बना हुआ है खसरे तोरई की सब्जी है। और रात में हमने बनाई थी ये चना और क्या बोलते हैं करेले की सब्जी, चावल। आप भी खा लो दोस्तों। सो गाइस, 4 बजने वाला और बर्तन तो फेर के धो दिए, आंगन की दोबारा झाड़ू लगा दी है। और अम्मी तो वहाँ पे आराम करे, आज अम्मी की तबीयत सही नहीं है और मैंने वो चाय रख दी है। पापा चाय पी लो, पापा को देखो यहाँ पे इतने ऊंचे पे बैठ के घर में पी रहा है चाय। पहले दादा हमारे इतने ऊंचे हल्दों में घास काटते थे इस पेड़ में चढ़ के। सो गाइस, हम लोगों ने लगा रखे हैं मांस, ये है मांस, ये फूल है और ऐसे बनते हैं, इसके अंदर होते हैं मांस, जो काली दाल होती है, पूरे खेत में लगा रखी है। और मैं आगे नहीं जाऊंगी, ये कुत्ता है, ये आ जाएगा काटने, 3 कुत्ते हैं हमारे लोगों के घर पे, ये सरकारी पानी की टंकी। आज मैंने इनको एक ही बार दे रखा, मैंने भी नहीं, आज अम्मी किसने दिया था, अम्मी ने दिया था इनको एक ही बार साथ दिया। अब देखो कैसे मुंह देख रहा है, वरना दिन भर में इनको दो दो तीन तीन पर रात मिलते हैं, घास मिलती है। पापा ने पहन ली अपनी वर्दी, अब जा रहे हैं घास काटने के लिए। और अम्मी उधर इंतजार में है, इसे देखो आराम फरमा रहा है। इसके चक्कर में मैं आधे रास्ते से वापस आ गई, आमा लोगों के घर नहीं गई। इसकी जीभ देखो, जब से मुझे आमा लोगों के घर में काटा है तब से मैं जाती नहीं हूँ। मेरे को कालू ने काट देता हाथ में, वो भी मेरे भाई की शादी के टाइम में, तब से बहुत डर लगती है मुझे कुत्तों को देख के। तो गाइस, अभी बज रहा शाम के 6 और अभी हम आए हैं अपने गौशाला के पास। यहाँ पे जानवर आने का टाइम हो गया, आधे तो आ गए, थोड़े और बचे हैं। धुमा लगा दिया उनके लिए, अभी इसको जलाया फिर धुमा लगेगा। और ये सारे जानवरों को मक्खी मच्छर परेशान कर रहा है ना, तभी लगाते हैं।
गाइस अभी हम आ गए हैं सभी लोग चाय पीने के लिए और शाम के अभी बज रहे हैं 6 और आज हम जल्दी पी रहे हैं क्योंकि ना बूंदाबांदी हो रही बाहर, वरना बाहर बैठते थोड़ी देर उसके बाद आते हैं। और अम्मी ने यहाँ पे डाल दी सबके लिए चाय। आज हम बना रहे हैं दाल शाम को और अम्मी पापा साइड में बैठे हुए हैं। पापा लगा रहे हैं अभी दूध गैया का। पापा लगा रहे हैं दाल में छाव का। इधर मम्मी सलाद काट रही है। ये देखो गाइस जुड़वा मिर्च। सो गाइस आज रात के खाने में दाल रोटी और सलाद आप भी खा लो दोस्तों। इधर पापा भी खा रहे हैं। अम्मी को गर्मी हो गई रोटी बना के, वो गई हैं बाहर बैठने के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।